एक इसका पार्ट रह गया मेमोरी या स्टोरेज, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए मेमोरी जो है दो तरह की होती है कंप्यूटर की, प्राइमरी मेमोरी एंड बैकिंग स्टोरेज या सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या होती है? मेन मेमोरी, ठीक है। तो मेन मेमोरी कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट इज करंटली प्रोसेस्ड, अभी जो कुछ हो रहा होता है ना, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, जो अभी कंप्यूटर काम कर रहा है फौरी तौर पर उसमें जो कुछ सेव। मिसाल के तौर पर आपने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, इसको आपने कॉपी कर लिया यहाँ से, अब ये करंट प्रोसेसिंग है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी अब ये सेव हो गया, मैं इसको 1 घंटे बाद भी, मतलब ये अगर कहीं पे पेस्ट करना चाहूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये अभी इसी को मैंने सेव किया हुआ है, तो ये देखें ये कंप्यूटर की मेमोरी में चीज़ सेव थी, तो ये डबल हो गया, देखें नीचे भी आ गया ऊपर भी। मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैंने कंट्रोल जी कर दिया, अब वो पहले की हालत में आ गया। तो प्राइमरी मेमोरी क्या करती है? अभी जो प्रोसेसिंग हो रही होती है उसको सेव रखती है। ये दो तरह की होती है, इसको मेन मेमोरी बोलते हैं और ये करंट प्रोसेसिंग इसी मेमोरी की वजह से हो रही होती है। अब देखें रीड ओनली मेमोरी रूम, इट स्टोर परमानेंट डाटा दैट कैन नॉट बी चेंजेस, इट इज एक्टिव व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, कंप्यूटर नीड इट ऑल द टाइम। जो कि हमने कहा कि जो करंट चल रहा होता है, तो करंट जब भी कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको रूम की ज़रूरत पड़ रही होती है, तो इट स्टोर्स परमानेंट डाटा दैट कैन नॉट बी चेंज। अब इसको आप कंट्रोल एस कर लेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, आपने ये डाटा किया यहाँ तक, कोई एडिटिंग की, इसको कंट्रोल एस किया, सेव हो गया, और ये फिर जो है जब तक आप इसमें से खुद चेंजेस नहीं करेंगे ये चेंज नहीं होगा। इट स्टोर परमानेंट डाटा दैट कैन नॉट बी चेंज, इट इज एक्टिव, जब ये एक्टिव होता है जब कंप्यूटर आप ऑन ऑन करते हैं, ये पेपर सवाल में आ चुका है। अच्छा, कंप्यूटर को इसकी हर वक्त ज़रूरत होती है, क्योंकि देखें कंप्यूटर को ऑन रखने के लिए, कंप्यूटर के डिफरेंट प्रोसेसिंग के लिए उसको एक दिमाग चाहिए, एक मेमोरी चाहिए कि तुमने ये काम करना है, ठीक है। तो ये उसकी मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या रोम कहलाती है। दूसरा है रैम, ये रीड ओनली मेमोरी, ये कंप्यूटर के अंदर सेव चीज़ है, सेव पड़ा होती है, ये मेमोरी उसकी सेव पड़ी होती है कि तुमने ये काम करना है, ठीक है। ये रीड ओनली मेमोरी है, कंप्यूटर इसको सिर्फ रीड करता है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता जाता है। जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम क्या होती है? ये वर्किंग मेमोरी होती है, जो अभी काम चल रहा है, ये किसी स्पेसिफिक वक्त में, जैसे अभी मैंने आपको कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल जी किया, ये करके दिखाया, तो ये जो है रैम के जरिए हो रहा होता है। इट कीप डाटा विच इज़ बींग यूज इन अ गिवन टाइम, इट स्टोर डाटा टेम्परेली, सो इट्स कॉन्टेंट माइट बी चेंज वैन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, द कॉन्टेंट ऑफ द रैम आर लॉस्ट, इट इज़ वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब जो है आरजी, टेम्परेरी, ख़त्म हो जाती है ये। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ इसको कंट्रोल किया, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको जो है वो कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करके अब मैं पेस्ट करके यहीं पेस्ट कर देता हूँ और मैं सेव नहीं करता इसको, और मेरा लैपटॉप ऑफ हो जाता है, तो फिर क्या होगा? तो ये क्या हो ये दोबारा जाएगा, डाटा मेरा डिलीट हो जाएगा, ठीक हो गया, इसलिए इसको वोलेटाइल बोलते हैं। आप देखें दूसरी मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है वो होती है सेकेंडरी, ये हमारी इंफॉर्मेशन को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए परमानेंटली स्टोर करती है, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, इसको बैकिंग स्टोरेज भी कहा जाता है। आप स्टोरेज डिवाइसेस हम कौन कौन से यूज़ करते हैं कंप्यूटर के, कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी के लिए? तो हार्ड ड्राइव है, इसमें इंटरनल इंस्टॉल्ड होती है, कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है, एक्सटर्नल भी आप लगा सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क है, 1.44 MB साइज होता है इसका। अच्छा, नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइसेस, ये लिटिल कंप्यूटर, कंट्रोलर, हार्ड, ये इस तरह के। यूनिवर्सल सीरियल बस, USB, यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेज आर कंप्यूटर। ऑप्टिकल स्टोरेज, इट इंक्लूड्स कॉम्पैक्ट डिस्क, CD, डिजिटल वर्स टाइप डिस्क, DVD। अच्छा, ऑनलाइन स्टोरेज, गूगल ड्राइव। तो ये जो है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है एक्सट्रीमली फास्टेस्ट मेमोरी टाइप दैट एक्ट एज अ बफर बिटवीन रैम एंड CPU। कंप्यूटर मेमोरी दैट प्रोवाइड्स हाई स्पीड डाटा एक्सेस टू द प्रोसेसर एंड स्टोर फ्रीक्वेंटली
used computer program applications and data. A temporary storage of memory cache make the data retrieving easier and more efficient. अब कैशे कौन सी मेमोरी है भाई? कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है जो बफर के तौर पर काम करती है। बफर पहले समझे आप क्या होते हैं। बफर कंप्यूटर की मेमोरी का वो रीजन है जो आपका एक डाटा एक जगह से दूसरी जगह जब आप मूव कर रहे होते हैं तो टेम्परेरी तौर पर वो इसको क्या करता है, सेव रखता है अपने पास। मैंने ये फाइल यहाँ से सेलेक्ट की और इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मेरे पास एक और वर्ड की फाइल ओपन है। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, उसको ओपन करता हूँ। आप देखें कंप्यूटर के पास ये सलाहियत होती है कि वो इस डाटा को टेम्परेरीली स्टोर रखता है जब तक मैं उसको पेस्ट नहीं कर लेता। तो ये बफर इसको कहते हैं। इट इज़ अ रीजन ऑफ मेमोरी यूज टू टेम्परेरीली होल्ड द डाटा व्हाइल इट इज बीइंग मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अ बफर इज यूज व्हेन मूविंग डाटा बिटवीन प्रोसेसर विद इन अ कंप्यूटर। यानी जैसे देखें मैं कंप्यूटर के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह ये यूज कर रहा होता हूँ। तो कैशे जो है वो फास्टेस्ट मेमोरी है। आप इतनी बड़ी फाइल्स सेलेक्ट करते हैं, उसको कंट्रोल मारते हैं, आगे दूसरी फाइल ओपन करके कंट्रोल वी करते हैं, तो ये फास्टेस्ट मेमोरी है। बहुत जल्दी कॉपी हो जाता है, बहुत जल्दी आप पेस्ट भी कर लेते हैं। तो एक्सट्रीमली फास्टेस्ट मेमोरी कैशे मेमोरी है जो एक्ट एज अ बफर करती है रैम और सीपीयू में। और उसके बाद रजिस्टर, ये हाई स्पीड मेमोरी यूनिट्स होते हैं सीपीयू के अंदर, इनको रजिस्टर्स कहा जाता है। बसेस, ये वायर्स होती हैं जो कंट्रोल सिग्नल भेजती हैं और डाटा भेजती हैं प्रोसेसर और दूसरे कंपोनेंट्स के दरमियान, या ये डाटा ट्रांसफ़र के लिए भी बसेस यूज होती हैं। उसके बाद है जी स्टोरेज यूनिट्स। मशीन लैंग्वेज जो है ना हमारी, वो जीरो और वन पे कंसिस्ट होती है कंप्यूटर की। इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, जीरो और वन को। ठीक हो गया। और अच्छा, कोई बिट बाइट का डिफरेंस बता सकते हैं? एमबी के भी या आपने पढ़ा हुआ है। इस चैप्टर में सिर्फ वही चीज़ें हैं जो पेपर में आ चुकी हैं, याद रखिएगा। कोई लंबी चौड़ी इसमें कंप्यूटर के हवाले से डिटेल नहीं है जी। शाबाश, कोई बता सकता है बिट बाइट एमबी केबी जीबी इनका क्या फर्क होता है? सर बिट सबसे छोटा होता है, बाइट उससे बड़ा होता है, केबी उससे बड़ा, एमबी उससे बड़ा, जीबी सबसे बड़ा होता है जी। ये बताएं। 8 बिट का एक बाइट बनता है और 1 किलोबाइट में 1000 बाइट होते हैं और फिर 1 मेगाबाइट में 1000 किलोबाइट होते हैं। बीट जो है ना, जीरो या वन होता है, एक निबल चार बिट्स यानी चार डिजिट्स हैं तो एक निबल बनेगा। एक डिजिट है, जीरो है या वन है तो बिट बनेगा, चार हो जाएंगे तो निबल बनेगा, आठ हो जाएंगे तो बाइट होगा। 1024 अगर इस तरह के बाइट होंगे तो एक केबी बनता है। यानी यूँ समझ लें 1024 जो है बाइट, इसका मतलब ये, इसको अगर 8 से ज़रब दे तो इतने हरूफ बनेंगे, इतने वर्ड्स आपके हो सकते हैं, इतने लेटर्स सॉरी। अच्छा, इस तरह एक एमबी है मेगाबाइट, 1024 बाइट अगर बनेंगे तो 1000 जो है 24 एमबी के सो बन जाएगा। 1024 केबी है तो 1000 सॉरी 1 एमबी बनेगा। 1 केबी है कितने बाइट्स के बराबर, यानी 1024 बाइट्स हैं तो 1 किलो बाइट बना। 1024 किलो बाइट हैं तो 1 मेगा बाइट 1 मिलियन बाइट के बराबर होते हैं। अच्छा, 1024 मेगा बाइट हैं तो 1 गीगा बाइट 1 जीबी डाटा बनेगा। 1024 गीगा बाइट हैं तो 1 टेरा बाइट बनेगा, ठीक है। और 1024 टेरा बाइट हैं तो 1 पीटा बाइट बनेगा। और 1024 पीटा बाइट हैं तो 1001 एग्जा बाइट बनेगा। और 1024 एग्जा बाइट हैं तो 1 जीटा बाइट बनेगा। और 1024 जीटा बाइट है तो 1 योटा बाइट बनेगा। बस मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, इससे आगे भी शायद नहीं, मेरे ख्याल में नहीं होंगे यूनिट शायद। अब बिट को हम जो ना बाइनरी डिजिट कहते हैं, ये जीरो या वन होता है। तो कंप्यूटर में बेसिकली जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो बाइनरी डिजिट की फॉर्म में होती है। अच्छा, उसके बाद है जी टूल बार्स। अब टूल बार किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार या बार होती है। बार जो है ना रो ऑफ बॉक्सेस होती है। अगर आप ये स्क्रीन देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये ऊपर एक बार है जिसके ऊपर नाम शो हो रहा है, ये जो फाइल मैंने खोली हुई है।